हाय फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे सीबी ऐसा क्या बदलाव लाने जा रहा है व्हाट इज दी न्यू फ्रमवर्क प्रोपोज बाय दी सी राइट सो दिस पर्टिकुलर लेक्चर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर एंड से एग्जामिनेशन एग्जामिशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू आई एक्स सो सबसे पहले बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड कि एल का फॉर्म निकला हुआ है एंड ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फॉर्म निकला हुआ है सो so, अगर आप दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर रहे हो या दोनों कर रहे हो सो डू चेक आउट अवर वेबसाइट फॉर द कोर्स दैट वी हैव जस्ट लॉन्च अब हम वापस आते हैं हमारे लेक्चर पे एंड लेट्स डिस्कस द न्यूज़ कि किस न्यूज़ के ऊपर में ये वीडियो है और इस वीडियो से आपके लिए टेक अवे क्या रहेगा सो द न्यूज़ फ्रॉम द बिजनेस स्टैंडर्ड इज़ बिजनेस स्टैंडर्ड इसको इस प्रकार लिखे हैं सेबी मूड्स अस्बा लाइक पेमेंट सिस्टम फॉर सेकेंडरी मार्केट स्टॉक ट्रेड तो ये पर्टिकुलर न्यूज सेकेंडरी मार्केट के लिए है क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो ऐसा होते जा रहा है वैसा ही होता है बट चैलेंजेस क्या है सेकेंडरी मार्केट में उसको समझना जरूरी है तो एक और न्यूज हम देखते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स इसको किस प्रकार से लिखा है टू चेक फ्रॉड मिसयूज फंड मिसयूज सेकेंडरी मार्केट ट्रेस मे गेट अजबा लाइक सेटलमेंट सो दिस इज वॉट इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ रिटर्न तो अब इससे हमको क्या समझना है अब समझना है कि सिस्टम एक्ट प्रेजेंट क्या है एंड कहाँ पे फंड मिस हो सकता है ठीक है और एट प्रेजेंट सेकेंडरी मार्केट ट्रेड में क्या प्रोसीजर्स हैं ये सारा चीज़ हमको समझना है तो समझते हैं किस बात की देरी है देखो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत कुछ है वो तो आपके पढ़ने के लिए है लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप सुनो एक सिंपल टर्म्स में समझो आपको अगर एक स्टॉक खरीदना है मतलब आप कहाँ से खरीद लो फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो मतलब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी लिस्ट हो रहा है तो वो प्राइमरी मार्केट में हो रहा है बट आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मार्केट लेग से आपको एस का दस शेयर खरीदना है ठीक है तो आपके पास कोई ऐप होगा एक स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म का चाहे वो जेरोदा हो चाहे वो अप स्टॉक हो चाहे वो ग्रो हो एग्जाम्पल के तौर तो पे तो आप ये जो ट्रांजैक्शन है मतलब दस जो स्टॉक खरीदना चाहते हो एसबीआई का वो कैसे खरीदोगे थ्रू योर स्टॉक ब्रोकर अगर आपके जो आपका जो जो भी डैशबोर्ड है इसमें अगर पैसा नहीं है मतलब आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो आपको सबसे पहले तो इंटरनेट बैंकिंग यू जो भी है यूज़ करके आपको इसमें पैसा डालना होगा लेट से यू पुट वन थाउजेंड रुपीज़ एग्जाम्पल पूरा हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको उसके बाद आपने टेन शेयर्स खरीदे किसका एस का अब आप जब ने टेन शेयर्स खरीदे एस बी आई का लेग से आपको नौ सौ रुपये लगा ठीक है नौ सौ रुपये लगा आपको अब क्या ये शेयर्स तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है नौ no. दिखने ज़रूर तुरंत लगता है लेकिन आपके डिमेल्ट अकाउंट में आते आते ये टी प्लस थ्री डे मतलब ये दो तीन दिन का टाइम लगता है ठीक है वो क्लियरिंग कारपोरेशन से क्लियर होके मतलब आपने ये खरीदा है तो कोई किसी ने तो सामने से बेचा होगा तो वो क्लियरिंग कारपोरेशन आगे वाले के डीमेट अकाउंट से डिडक्ट करके आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करने का एक समय लगता है राइट right? तो वो हो गई बात अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है देखो आप नौ का शेयर खरीद लिए हो अब आपके पास सौ रुपये बच जाता है मतलब ये सौ रुपये आप विड्रॉ नहीं करते हो ये सौ रुपये आपका जो जो भी डैशबोर्ड है ना उसमें दिखता है तो ये सौ रुपये कहाँ होता है सौ रुपए एक्चुअली जो भी आपका ब्रोकरेज फर्म है उसके पूल अकाउंट में होता है तो मतलब ये उस अकाउंट का मतलब ये उस पैसे का क्या कर रहा है ये आपको नहीं पता ऑल दो उतना मिस नहीं होता है बट फॉर ए जनरल एजम्शन आप ये भी सोच सकते हो कि वो मान के चलो आपका सौ रुपये है मेरा सौ रुपये है तो इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं सबका कुछ कुछ अमाउंट उसमें होगा बचा तो एक बहुत अच्छा अमाउंट जो भी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है ना उसके पूल अकाउंट में जमा रहता है अगर मान के चलो उन्होंने बैंक में भी रख दिया तो उनको इंटरेस्ट तो मिलता है ना सिंपल बात है बैंक में रखे तो इंटरेस्ट तो मिलेगा तो अननेसेसरी यहां पे उनका इनकम हो रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है अगर उसका वो उसका मिसयूज कर रहे हैं लेकिन अगर करते भी हैं तो पता नहीं चलता किसी को ना आपको पता चलता है ना सभी को पता चलता है बट हाँ बड़े लेवल पर करें तो ऑब्वियसली पता चलेगा पर छोटे लेवल पर तो कोई पकड़ नहीं सकता

जितने भी ब्रोकर है कंबाइंडली सबके पूल अकाउंट को अगर प्लस कर दिया जाए तो जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो कुछ तीस हजार करोड़ रुपए के आसपास है मतलब कैन यू इमेजिन इस पे कितना इंटरेस्ट वो जनरेट कर रहे हैं कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू वो कर रहे हैं बट इस अमाउंट का अगर मिस हो रहा है तो सोचो क्या हो सकता है सो जस्ट टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग से बी नाव दे आर ट्राइंग टू चेंज द रूल्स तो रूल्स किस प्रकार का होगा जो नया सिस्टम होगा वो किस प्रकार का होगा सिंपल सी बात है आपको पता है एसबा एस बी ए आपने ये वर्ड सुना होगा लेकिन ये तो पुराना हो गया ये आपको पता भी है लेट्स टॉक अबाउट आईपीओ मैंडेट जब आप आईपीओ खरीदते हो ठीक है नॉट आईपीओ मैंडेट वेरी सॉरी ये होगा यूपीआई मैंडेट जब आप एक आईपीओ खरीदते हो क्या होता है आप रिक्वेस्ट करते हो एंड आपका यूपीआई मैंडेट के थ्रू जो भी अमाउंट चौदह पंद्रह हजार रुपए का जो भी अमाउंट आता है मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट चौदह पंद्रह हजार के एवरेज साइज में मिलता है अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, तो वो अमाउंट आप ही के अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है मतलब उसका आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो वो आप ही के अकाउंट में है लेकिन ब्लॉक्ड है वो तो अगर रजिस्ट्रार कन्फर्म करता है कि आपको स्टॉक मिल रहा है तब वो अमाउंट रिलीज होता है एल्स वो अनब्लॉक हो जाता है तो ये है प्रोसीजर तो अभी जो नया प्रोसीजर है ना वो कुछ इसी प्रकार का है लेक्सी नंबर वन स्टेप पे है क्लाइंट इनिशिएट्स यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग द फंड सबसे पहले ब्लॉक हो रहा है फ़ंड लेकिन ये फंड कहाँ पे ब्लॉक होगा ये आपके खुद के अकाउंट में ब्लॉक होगा मतलब खुद के बैंक अकाउंट में क्लाइंट रिसीव्स रिक्वेस्ट इन द यू पी आई ऐप एंड ऑथोराइज जो भी आपका यू पी आई ऐप है भीम फोनपे गूगल पे उसमें रिक्वेस्ट आएगा और रिक्वेस्ट को आप पिन डाल के अप्रूव करोगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा रिक्वेस्ट गोज टू क्लाइंट्स बैंक फॉर ब्लॉकिंग डी फंड उसके बाद यू पी आई मतलब एनपीसीआई का सिस्टम बैंक को वो बोल ये बोलेगा कि ये पर्टिकुलर अमाउंट को आप ब्लॉक कर दीजिए जैसे ही आपने वो पिन डाला ना ये इमीडिएट होता है तुरंत होता है तुरंत बैंक के सिस्टम में इंफॉर्मेशन जाएगा कि आप उस अमाउंट को ब्लॉक कर दो अब बैंक वाले उस अमाउंट को क्या कर दिए ब्लॉक किसके अकाउंट में आपके अकाउंट में कन्फर्मेशन ऑफ द ब्लॉक इज सेंड टू द एक्वायरिंग बैंक अब इसका जो कन्फर्मेशन है ये घूम के जाता है किसके पास आब, आ, 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 बैंक जिस बैंक में ये पैसे को ट्रांसफर होना है सीसी अब Clearing Corporation का आया इनको पता चल गया कि बैंक ने कंफर्म कर दिया है अब क्लियर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेंड्स कंफर्मेशन टू इंटरमीडिएट्स एंड क्लाइंट अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दोनों के बीच में ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है दोनों पार्टी को उसको बताता है कि हाँ हो गया है उसके बाद ब्रोकर अलाउ द क्लाइंट टू ट्रेड ब्रोकर क्लाइंट को अप्रूव कर देता है कि हाँ पेमेंट कर सकते हो तो अब क्या हुआ अमाउंट सीधा आपके खाते में वो ब्लॉक हुआ एंड जब आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया वो अनब्लॉक कब हुआ सीधा वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से होते हुए आगे वाले के बैंक अकाउंट में चला गया मतलब बीच में जो ये ब्रोकर बैठा हुआ था अब ये ब्रोकर खत्म हो गया लेकिन इससे एक सवाल जरूर उठता है बीच में ब्रोकर तो इनकम करते थे राइट इनकम किस प्रकार का अपना वो ब्रोकरेज एक नंबर पॉइंट एक तो ब्रोकरेज दूसरा हो गया एस सिक्योरिटी ट्रेडिंग टैक्स होता है जो हर ट्रेड पे लगता है ये दो अमाउंट कैसे कटेगा ऑब्वियस सी बात है ये तो सोचने वाली बात है तो इसी बात को सेबी ने क्लियर किया है कि अंडर द प्रपोज्ड नॉर्म सेबी हैज सजेस्टेड आइदर दी पेमेंट एप्लीकेशन सच एज ब्रोकरेज एंड एस टी बी डिडक्टेड बाई द क्लियरिंग कॉरपोरेशन एंड पास ऑन टू ब्रोकर्स और कैरिड आउट बिटवीन द कस्टमर एंड द ब्रोकर डायरेक्टली मतलब दो चीज निकल के बाहर आ रहा है एक चीज ये आ रहा है कि जो सी सी आई एल है वो खुद से ही अमाउंट डिडक्ट कर ले और उसके बाद वो ये जाके पैसा ब्रोकरेज फॉर्म को दे दे ये बोलते हुए लो भाई आपके कमाया हुआ पैसा एक ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन ये बोला है सेबी ने कि ये सीधा सीधी कस्टमर एंड ब्रोकर डायरेक्टली डील करेंगे एक दूसरे को मान के चलो बाद में बिल गिरे है ना समथिंग लाइक दैट तो अरेंजमेंट अभी बनेगा सो दिस इज जस्ट ए टॉक मतलब टॉक की मतलब क्या है दिस इज ए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क एंड सेबी हैज सॉ कमेंट बाई फरवरी अगर ये देखो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है मतलब कहीं ना कहीं इनलाइन ऐसे ही ये अप्लाई होगा देश में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज थ्रू दीडबैक से बी इसको करने वाला है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनिशियटिव टेकन बाई दी इन द रिस एंड उनके चेयरपर्सन कौन है माधवी पूरी बोच टू यू नो टू मतलब देखो सिंपल से बात है तीस हजार करोड़ रुपए अगर किसी और के कस्टडी में है रिटेल लोगों का है ना हमारा आपका मेरा अब किसी पर्टिकुलर एक का नहीं है जॉइंटली सबका है तो ये अमाउंट उनके एंड पे बहुत बड़ा है प्रोबेबली मेरे और आपके एंड में सौ सौ रुपये होगा डेढ़ डेढ़ सौ रुपये होगा या हज़ार रुपये होगा लेट से बट उनके एंड में इट्स इन करोर्स सो व्हाट दे आर डूइंग विद दैट मनी अगर उसका मिसयूज हुआ तो उसका रिपल इफेक्ट बहुत ही सही नहीं होगा इकोनॉमी में राइट सो जस्ट टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है एंड आई विल टेल यू वन फैक्ट कि ऐसा पूरा दुनिया भर में पहली बार होगा बिकॉज यू पी आई जैसा नेटवर्क किसी के पास नहीं है चाइना के पास है बट इतना रोबस्ट नहीं है तो मतलब उनका क्यू आर क्यू आर बेस्ड है क्यू आर सिस्टम के ऊपर चलता है मोबाइल नंबर के थ्रू नहीं चलता बट हमारा जो मोबाइल नंबर के थ्रू चलता है यूपीआई हैंडल के थ्रू चलता है उनका वैसे नहीं चलता है सो यू पी आई इज दूश रेवोल्यूशन मीन्स यू पी आई ही ये रेवोल्यूशन लेके आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस मेनी पीपल आर एबल टू थिंक बियॉन्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स राइट लाइक आर बी आई ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है एंड सेबी ने भी लिया है सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव इन द सेकेंडरी मार्केट ये होने वाला है आने वाले समय में सो फ्रेंड्स विद दिस वी आर डन बट बिफोर आई से थैंक यू एंड गुड बाय let me remind you that in rbi we are offering flat 50% discount so you can use this code with this i would say thank you and all the best let's meet in some other lecture till then unfold your potential and all the very best for all the exam texts you are preparing and always remember axmb helps you prepare 50% faster